जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने बिल्कुल भूलें, क्योंकि रोजगार और शिक्षा से संबंधित भारत के किसी भी राज्य में कोई भी न्यूज़ होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो भारत के किसी भी राज्य से आप रहने वाले हो, कोई भी न्यूज़ होगी तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज लेके आए हूँ राजस्थान बजट 2019 की बहुत बड़ी घोषणाएं। आज अशोक जी गहलोत ने लेखा अनुदान पेश किया है विधानसभा के अंदर, तो उसके बारे में बहुत बड़ी 12 घोषणाएं की किसानों और बेरोजगारों के लिए मोदी ये अशोक गहलोत सरकार बहुत बड़ी घोषणाएं की है, तो इस वीडियो में पूरी जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। तो देखते हैं क्या की घोषणाएं। राजस्थान के सीएम ने विधानसभा में पेश किया लेखानुदान, वसुंधरा सरकार को प्रदेश की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। जागरण संवाददाता जयपुर। राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लेखानुदान पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई के 4 माह का लेखानुदान पेश किया है, जिसमें लोकसभा चुनाव निकट होने के कारण पूरा बजट 31 मार्च तक पारित होना मुश्किल था, इसलिए सरकारी खर्चों के लिए लेखानुदान लिया गया। इस दौरान गहलोत ने कहा कुछ घोषणाएं कि वही पिछली वसुंधरा राज्य सरकार को प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा पिछली सरकार ने कुशासन की ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया, लेकिन अब आर्थिक प्रगति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार गरीबी और बेरोजगारी के लिए अभिशाप से मुक्ति का संकल्प लेती है। गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार बड़ा कर्ज छोड़ गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए कुल लोन 3,09,385 करोड़ रुपये और राजस्व घाटा 24,891 करोड़ रुपये है। अशोक गहलोत ने की घोषणाएं लेखानुदान पेश करते हुए वैसे तो सत्ता में आने के लिए बाद ही कई किसान कर्ज माफी, किसानों को पेंशन और बेरोजगारी भत्ते जैसी घोषणाएं की चर्चा की, लेकिन कुछ नई घोषणाएं भी की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली घोषणाएं क्या की है कि छात्राओं को सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, 1 रुपये अब नहीं लगने वाला। बणेश्वर धाम विकास बोर्ड के गठन की घोषणा भी की। बणेश्वर धाम आदिवासियों का बड़ा तीर्थ है। आपदा रात का पैसा सीधे बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था अब की जाएगी। 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा और कैंसर और हृदय रोग की दवाएं उपलब्ध होगी। 600 नए दवा वितरण केंद्र भी खोले जाएंगे। सरकार निर्यात को बढ़ा नवीन उद्योग नीति भी लागू करेगी। इंदिरा गांधी फीडर में मरम्मत के लिए 812 करोड़ का काम भी प्रस्तावित है। 20,000 ग्राम पंचायत में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नरेगा में नियोजित श्रमिक भी बढ़े। नई उद्योग निवेश नीति और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए नीति बनाएगी। इंदिरा गांधी फीडर मुख्य नहर की जीर्णोद्धार के लिए 812 करोड़ रुपये भी खर्च किए गए। तो ये थी टोटल अशोक गहलोत सरकार की 12 घोषणाएँ। तो अगर आपको पता नहीं है कि लेखानुदान क्या होता है तो वो भी बता देता हूँ। लेखानुदान के तहत वेतन, पेंशन, जिला प्रशासन, न्याय प्रशासन, निर्वाचन में कंटिजेंसी पर पैसा खर्च करने के लिए विधानसभा में मंजूरी ली जाती है। करीब 4 महीने के लिए यह लेखानुदान लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार जून या जुलाई में पूरा बजट ला सकती है। हालांकि लेखानुदान में वित्त विभाग संपूर्ण बजट की तैयारी करता है, लेकिन इसमें घोषणाओं वाले हिस्से को शामिल नहीं किया जाता। इसमें सरकार विधानसभा में पूरे वित्त वर्ष में होने वाली आय व्यय के अनुमान पेश करती है। तो ये थी टोटल न्यूज। किसानों, बेरोजगारों और शिक्षा से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज होती, कोई भी रिक्रूटमेंट आता था, हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये था आज का न्यूज, और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।